चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। पीके ने कहा कि 2020 के चुनाव के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, ना कि जेडीयू। या यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर तगड़ा तंज कसते हुए बहुत सारी बातों का खुलासा कर दिया और यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार की जागीर नहीं है बिहार, जिन्हें अपना चेहरा बनाना है बनाने दे। इसके बाद पीके ने डिप्टी सीएम के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी बात कह दी और इससे जाहिर तौर पर कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने आरजेडी को बिहार की सबसे एक नंबर की पार्टी कह दी है, यानी कि बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी रसूख वाली पार्टी का नाम आरजेडी है, ना कि जेडीयू। अब इस बात को लेकर के तरह तरह की बातें चल रही हैं और साथ ही प्रशांत किशोर के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर ने यह बातें सही विश्लेषण करके कही है या फिर चुनावी सरगर्मियों के बीच उन्होंने एक नया खुलासा कर दिया है। तेजस्वी यादव को अभी भी बिहार का सीएम बना दीजिए ताकि वे 2025 तक तेजस्वी यादव को 3 साल तक काम करने का मौका मिल जाए और राज्य की जनता को उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें वोट देने का मौका मिले। प्रशांत किशोर ने ऐसी बड़ी बातें कह करके पूरी तरह से बिहार में एक तरह से हंगामा खड़ा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा मुझे कहीं सुनाई नहीं दे रही है। उनकी विश्वसनीयता आज की तारीख में ऐसी हो चुकी है कि उनका पीएम बनना तो दूर, उनके बिहार का सीएम बने रहने पर भी संकट है। प्रशांत किशोर ने अपनी बात में यह भी कहा कि तेजस्वी यादव से यह बात कही थी कि जब वह सरकार में आएंगे तो पहली कलम से 10 लाख नौकरी युवाओं को देंगे। पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय में वह कैबिनेट में है। कैबिनेट के निर्णय के बाद उन्हें सोमवार को सिग्नेचर भी किया होगा। मैं यह सोच रहा हूँ कि 10 लाख वाला निर्णय था, उसका क्या हुआ? कलम टूट गई या स्याही सूख गई? ये तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ही बताएंगे। ये झूठे वादे करना, लोगों को भ्रम में डालकर वोट लेना इनकी पुरानी फितरत है। अब बता दें कि पीके ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार अपने बयान में भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनके चेहरे पर और 3 छाप के बटन पर कोई चुनाव जीतने वाला नहीं है। ये दल तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद ही मान लिया है कि उनके चेहरे पर वोट नहीं मिलेगा। अब तेजस्वी यादव को यह जिम्मेदारी दें कि उनमें कितनी प्रतिभा और क्षमता है, इसी आधार पर बिहार की जनता चुनाव में उनका फैसला करेगी। फिलहाल प्रशांत किशोर के इन सभी दावों को लेकर के जंग जारी है। बिहार में सरगर्मी तेज हो चुकी है और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं प्रशांत किशोर अंदर खाने से भाजपा की तरफ तो नहीं है। इन सभी बातों के लिए बिहार की सियासत गर्म है और लगातार विपक्षी दलों का बयान आ रहा है और साथ ही विपक्षी दलों में अंदर ही अंदर कई सारी बातें चल रही हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।